सुमन जी, आज हमारे 50,000 सब्सक्राइबर यूट्यूब पर पूरे हो गए। कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पर अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे और ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। हमारे बेटे को इसी तरह आगे बढ़ाते रहिए, और क्योंकि जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए सब लोग हम उम्मीद करते हैं इसी तरह सहयोग कीजिए और एक दूसरे को आगे बढ़ाए। That you feel all alone in this world, but you have to. क्या कह रही थी? मजा आ गया रे। बहुत सपोर्ट दिया आप लोगों ने, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जितनी बार धन्यवाद कहे उतना ज्यादा कम है रे। और प्लीज ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और आप लोग का प्यार रहा तो जल्दी से 100K का भी सेलिब्रेशन करेंगे। और जब तक आए तो प्लीज आप लोग 100K जी। हाँ, मेरी हमारी माँ आ गई तो उसको गिफ्ट दिया हमने 50K का, और हम अपने छोटे भाई के लिए सोचते हैं उसको 100K का गिफ्ट दे। पता नहीं पॉसिबल है कि नहीं। पॉसिबल तो ये भी था, आप हम लोगों ने सोचा और आप लोगों ने पूरा कर दिया, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट रहा तो जरूर पॉसिबल होगा। तो जी आप लोग बिल्कुल सपोर्ट करिए, आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, वीडियो को प्लीज लाइक किया करें। जी आज कर रहे हैं ससुराल जाने की तैयारी, और यहाँ देखिए, यहाँ जी अपना पैकिंग में लगी हुई है। देखिए सारा सामान बिखरा पड़ा है। ये हो रही है जिया की पैकिंग। जिया मैके जा रही है। हाँ, जा रही है। बहुत दौरा लग रहा है आजकल मैके का। मजा आ रहा है। कहाँ दौरा लग रहा है, एक बार गए रात में रुके भी नहीं, आए चले आए। महीना दो महीना में तो विजिट लग ही जा रहा है घर का। और मेरा जो है दाढ़ी कुछ ज्यादा बड़ा हो गया है, लग रहा है कि जेल से कोई कैदी भाग गया है। हाँ, अब कैदी तो कोई जा रही ससुराल, जा रही तो हैंडसम बन के जाएगी। हाँ, जा रही है ना। जाओ जाओ। और इधर मेरी माँ है, मौसी से बातचीत कर रही है। हम कहे ससुराल जा रही है थोड़ा हैंडसम बन जाते हैं। और जिया की हो गई है सारी पैकिंग, तो अब जल्दी से जा करके नहा लो। आपने बिल्कुल भी हेल्प नहीं किया। हेल्प करेंगे उतना और गड़बड़ कर देंगे। तो तुम्हारा मेहनत बता दिया, थैंक यू बोलो। हम लोग हो चुके हैं तैयार और अब निकलने वाले हैं। इधर बड़ी ठीक है, चलते हैं। इतनी धूप है और हमको ये देखिए क्या पहन रहे। बिल्कुल अभी रास्ता में लगेगा ठंड, जब बस में बैठेगी। बस स्टैंड जा रहे हैं और वहाँ से फिर निकलेंगे। डैडी वाली के घर हम चाय पिला तो जाती जाती डैडी को चाय पिला दी। हम जा रहे थे वहाँ सीट थी फुल, हमने कहा कि थोड़ा वेट ही कर लेते हैं, और दूसरी बस इतनी लेट है तो दूसरी बस के खुलने में लगभग 1 घंटा लेट है। हम लोग आगे बटोरा बटोरा आके जाएंगे यहाँ तो बस मौका मिलना चाहिए। घर का छोला भटूरा अच्छा रहता है, खा लेते हैं। और ये हमारा छोला भटूरा आ गया है, खा करके देखो बताओ कैसा लगता है। पहले खाई है? खाई है, अब तो पूछना ही बेकार है। ये हम लोग पेट पूजा करके आ गए हैं और बस में बैठ चुके हैं। कॉफी अभी सीट नहीं मिलती लेकिन मिल गई। हाँ, तो हमारे जो कंडक्टर साहब हैं ये देख रहे हैं, वो अपनी सीट ले लिया, तो वहीं हम बैठे हुए हैं। A few moments later. बस अभी रुकी हुई है। लाता है, लाता है। पर इंतजार कर। 1 घंटा पहले लेट हो गया था। बस मिलने में आप 1 घंटा लगता है, यहाँ लग जाएगा। हुआ ये है। देखिए वहाँ पर पंचर लग रहा है, तो गाड़ी पंचर हो गया है यहाँ पर। बस का टायर लगता है ठीक होती होती अच्छा समय लग जाएगा। कमलेश, साइकिल लो। यहीं पर आकर के बैठ गए। यहाँ पे आम का पेड़ है। अभी हम सभी उठ कर आ गए थे कि लग रहा था टायर लग गया। खुशी से तो उनको लग रहा था, इतना जल्दी कैसे लग गया। बात है कि 3-4 लोग को देखे, वो लोग अंदर घुसने लगे, तो उसके देखा देखी हम लोग सभी लोग पीछे पीछे चले गए। इसके चक्कर मेरा सीट यहाँ गया, कहीं सीट नहीं जाने वाला है, सब उठ के चल गया है उधर आके फिर बैठ जाएगा। 2 hours later.
जी अभी हम लोग कि जैसा कि आपने देखा कि हमारी बस का टायर पंचर हो गया था, तो बस वाले जो है उसको रिपेयर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसको रिपेयर करते करते काफ़ी टाइम लग जाता। तो बस वाले ने क्या किया कि जितनी भी गाड़ी आ रही थी पास से, तो सभी को वो रोक कर जिस सारे पैसेंजर को उस गाड़ी में बैठाते जा रहे थे और उनको हमारे हिस्से का जो है किराया दे रहे थे ताकि हमें किराया नहीं देना पड़े। तो चलिए जी, ये एक अच्छा सिस्टम कर दिया। और बाकी टेक्निकल चीज़ है तो यह कभी भी हो सकता है, तो इसमें उनकी तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन एक जर्नी जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया। जी हम पहुंच गए हैं अपने ससुराल और जिया पहुंच गई है अपने घर। यहाँ आए हुए हैं ट्यूबवेल के पास, थोड़ा पैर हाथ धोएंगे और उसके बाद चलेंगे। थोड़ा भूख भी लग गई है, सुबह से क्या खाए हैं? बस वही थोड़ा कद्दू भात का प्रसादी खाएंगे अभी कद्दू भात का प्रसादी चलेगा। और वहाँ से छोला भटूरा खा करके आए थे, लेकिन ज्यादा नहीं खाए थे, थोड़ा ही खाए थे। फास्ट फूड से क्या पेट भरता है जी? जी आज है कद्दू भात, तो हम लोग आज कद्दू भात खा रहे हैं। तो ये है प्रसाद हमारा। खाओ, कैसा लगा कद्दू भात? आज का खाना का टेस्ट ही अलग रहता है ना। सही बात है जी, हमारा हो गया खाना पानी। आज तो है कद्दू भात, कल है खरना, परसों है छठ, शुरू हो जाएगा शाम कर्ग है और उसके बाद है सुबह कर्ग। तो कोशिश करेंगे कि आपको छठ का एक एक चीज दिखाए। आप में से बहुत लोग मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, कई लोगों की ईमेल तक आ गए कि जी आप लोग के यहाँ तो छठ होता है, तो प्लीज छठ का ब्लॉग जरूर बनाइएगा। तो जी हम बिल्कुल छठ का ब्लॉग बनाएंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको वह वीडियो भी जरूर पसंद आएगा। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले, ताकि हमारा कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।